वेलकम टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग आकाश लाइफवेंचर। और दोस्तों, सिक्किम का मौसम अब खूबसूरत होने लग गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा, सिक्किम आइएगा घूमने के लिए, मजा करने के लिए। तो देख लीजिए आप आज का मौसम कैसा खूबसूरत लग रहा है, और ऐसे ही खूबसूरत मौसम में हम एक खूबसूरत जगह जाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आप लोगों को रास्ते का थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह दिखाऊंगा, कुछ देखने को जो भी मिलता है, और आपको मैं सीधा वो खूबसूरत जगह जाकर मिलता हूँ। और गाइस, हम अब ये काची रोड में पहुंच गए, और आप मेरे को देख सकते हैं कि मैं पूरा पसीने पसीने हो गया हूँ। और मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ 5 मिनट्स में सीढ़ियों के रास्ते से, और जल्दी जल्दी चलते हुए। सो यहाँ पहुँचने में सिर्फ मुझे 5 मिनट लगाए। अब थोड़ा सा ही आगे आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा हेडिंग से हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, वहाँ पहुँचते हैं और आपको वहाँ का खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ चुका हूँ, और नीचे में आपका जो था वो आपका दुकित पान दुकान है, और मेरे राइट साइड में आपका राजा का पैलेस है। वहाँ पर हम उसी के साइड से होते हुए जाएंगे, और मेरे लेफ्ट साइड में आपका वाइट हॉल फ्लावर शो है। तो आप लोग ने अगर मेरा ब्लॉग जो है फर्स्ट डे इन गैंगटॉक अगर देखे नहीं है, तो आप लोग वो देख लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ किंग पैलेस में और ये व्हाइट हॉल में कैसे पहुँचना है। क्योंकि अगर कोई फर्स्ट डे गैंगटॉक में कहीं घूमना है, तो आसपास में ही घूमने का बहुत जगह है, और हम थोड़ा सा वही आगे से होते हुए चले जाएंगे वहाँ उस तरफ से। सो चलिए गाइस, आप लोगों को और आगे जाकर दिखाता हूँ। तो गाइस, अब हम ये मनी लाखांग मोनेस्ट्री में पहुंच चुके हैं, और इसी गेट के अंदर में मनी लाखांग मोनेस्ट्री, जो हमारा वेस्ट पॉइंट स्कूल है उसी के ही आगे में है ये मनी लाखांग मोनेस्ट्री। तो चलिए गाइस, आप लोग थोड़ा सा इसका ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज देख लीजिए, उसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ। सो लेट्स गो गाइस, अंदर चलते और इसका ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज देखते हैं।
आशा करता हूं आप दोस्तों को बाहर का जो व्यू था पसंद आया होगा। और जो मेरे पीछे में इसे कहते छनछुक छोरतेन, इसे गोमचे रिंपोची ने बनाया था और कुछ 5 to 6 ईयर्स पुराना ही है, ज़्यादा कोई पुराना चीज़ नहीं है, बहुत रिसेंट कंस्ट्रक्शन ही है ये। और जो मेन मोनेस्ट्री है वो मेरे बैक साइड में या पीछे की तरफ में, पर अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, पहले हम छनछुक छोरतेन के अंदर का व्यूज देख लेते हैं गाइस। खूबसूरत लग रहा है, मैंने तो एक बार देख चुका हूँ, चले आप लोग को भी दिखा देता हूँ। अब हम ये छनछुक छोरतेन से अब बाहर निकलते हैं और यहाँ पे जो मेन मोनेस्ट्री है अब हम उसकी तरफ जाते हैं। तो मेन मोनेस्ट्री यहाँ आगे से ही होते हुए हम लोग इधर से होते हुए जाएंगे अंदर की तरफ, और आप यहाँ पे जो ब्यूटीफुल पेंटिंग है वो भी देख सकते हैं। तो जो हमारे ये मेन मोनेस्ट्री है छनछुक छोरतेन, तो अभी 5-6 ईयर्स में बना हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। पर ये जो मेन मोनेस्ट्री है ताथनचेन का, इसको जब क्रिएट किया गया था ये अराउंड आपका जो 13 छोगेल थे यहाँ के, तो छोगेल मतलब राजा लोग हैं वहाँ, यहाँ सिक्किम के जो राजा हुआ करते थे, वनचुक नामग्याल है उनका नाम, और उनके देख रेख में इसको बनाया गया था। गाइस मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं आ रहा है, मैं एक बार सर्च करने की कोशिश करूँगा, अगर जहाँ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्टली कब बनाया गया था तब मैं आप लोगों का वो डेट्स वगैरह पुट अप कर दूँगा। तो हम यहाँ से होते हुए जाएंगे अंदर की तरफ, और जो मेन मोनेस्ट्री है आपका यहाँ साइड में ही मेन मोनेस्ट्री, तो थोड़ा सा हल्ला कम करते हैं गाइस। और ये ब्यूटीफुल प्लांट्स देख रहे हैं, तो यहीं आगे में जो है यहाँ पे आपका मेन मोनेस्ट्री गाइस। तो चलिए आप लोगों को मैं जो मेन मोनेस्ट्री उसका व्यूज भी दिखाता हूँ।
Wow guys, बहुत ही खूबसूरत नजारे थे अंदर का, आप लोग ने देख ही लिए, और एक बहुत ही शांत वातावरण था अंदर में, मजा आ गया। मैं कुछ देर बैठा भी वहाँ पर, और आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक बार लास्ट फिर से देख लेते इस जगह को मेरे बैकग्राउंड में। तो चलिए गाइस, अब यहाँ से अब निकलते हैं और घर की तरफ जाते हैं। तो ज़रूर ज़रूर प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप लोगों को क्या पसंद आया इस वीडियो में। और मैं भी अब घर की तरफ चलता हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया याद करके सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स को इंक्रीज कर दीजिए, जिससे कि मुझे मिलता रहे और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार। ओवर एंड आउट।